बच्चे, जहाँ पर माता पिता अक्सर मायूस हो जाते थे इस भारत में, भारत चूंकि बड़ा है कि कहाँ इलाज होगा हमारे लड़का का, हुई सुन पाएगी नहीं, चल पाएगी नहीं, देख पाएगा कि नहीं, ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा, न्यूरो प्रॉब्लम है, अनगिनत फिजिकल डिसेबिलिटी जो भी डिसेबिलिटी होगी उसका इलाज अब गोरखपुर में होगा। तो ये पूरे जो 50 लाख की आबादी का मंडल है, गोरखपुर अगल बगल के पूर्वांचल या बिहार का क्षेत्र जुड़ा है या नेपाल जुड़ा है, आप सभी लोग कृपया अब आए। आपके परिवार में किसी को भी मानसिक तरीके से कोई भी डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, दिखने में सुनने में, उसकी रिकवरी का प्रोसेस यहाँ रिहैबिलिटेशन की तरह तहत उसको किया जाएगा, उसको ट्रीटमेंट दी जाएगी, उसको फिजियोथेरेपी द्वारा बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, 19 डॉक्टर्स हैं हर डिपार्टमेंट के, जो उन बच्चों को ठीक करने के लिए पूरी तरह वेल ट्रेंड है, सक्षम है। और ये इमारत में जो 25 करोड़ की इमारत है, वो सारी सुविधाएं, वो सारे इक्विपमेंट हैं जो हम अपने बच्चों को, जिनको देख के आपको लगता था कि इसका जीवन अब खत्म हो गया है, ये बच्चा अब इस तरह कैसे जिएगा, कैसे चलेगा, कैसे सुनेगा, कैसे देखेगा, कैसे फंक्शन करेगा, कैसे समाज में खड़ा होगा, उसके लिए 25 करोड़ की लागत लगा के ये इमारत बनाई है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से धन्यवाद, पूज्य योगी महाराज जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, मंत्री वीरेंद्र जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, समस्त मंत्रालय, मनीष जी हैं यहाँ, यादव जी एज अ डायरेक्टर हिज हियर, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना पूरा करेंगे, जहाँ दिव्यांग जन आज पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं और आज वो देश में भी नाम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी भी पा रहे हैं और अपने परिवार का, परिवार की जीविका बड़े आनंदमय से चलवा रहे हैं। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको स्किल्स भी दी कि अपने हाथ में हुनर रखिए, अपने हाथ में कला रखिए, सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार आपको बिजनेस देगी, विश्वकर्मा योजना के द्वारा आपको पैसे देगी, आप 10,000 लेंगे, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया लेंगे, उसकी कीमत बढ़ते जाएगी जैसे चुकाएंगे और 0% पर। तो ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने आप ही लोगों के लिए बनाई है। तो दिव्यांग जन का कोई भी परिवार जो मुझे सुन रहा है, मेरे फैंस जो सुन रहे हैं, आज के बाद निराशा हटा दीजिए, सीधे यहाँ आइए, ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ये भव्य इमारत आपके बच्चों का इंतजार कर रही है, हम इनका यहाँ इलाज करेंगे। आज जो है कुछ बच्चों को मशीन दी गई है सांसद जी, उनको कान के हियरिंग मशीन दी गई है और उसके बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई, जो बच्चे बोल नहीं पा रहे थे सुनने, तो 3 बच्चों को मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा, हिंदू के बच्चों को भी मिला, मुस्लिम के भी बच्चों को मिला, और यही भारतीय जनता पार्टी की, मेरे मोदी जी की, पूज्य योगी महाराज जी की यही सोच है, सबका साथ सबका विकास, ये देश का कल्याण होना चाहिए, हर गरीब का कल्याण होना चाहिए।